दोस्तों, आज मैं समोसे के बारे में आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा और आप सोच में पड़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे देश की हर गली नुक्कड़ से लेकर 5-स्टार होटल तक में नजर आने वाला समोसा भारतीयों का पसंदीदा है। शायद कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिसे समोसा पसंद ना हो, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर समोसे की शुरुआत हुई कैसे? दरअसल समोसे का इतिहास काफी पुराना है और खास बात यह है कि इसकी शुरुआत भारत में नहीं बल्कि किसी और देश में हुई थी। इतिहासकारों और जानकारों की माने तो समोसा भारत में मध्य पूर्व एशिया के रास्ते यहाँ पहुँचा है, जिस क्षेत्र को आज अफगानिस्तान कहते हैं। अगर हम खान पान के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि समोसे ने जितनी लंबी यात्रा तय की है शायद ही किसी और व्यंजन ने की होगी। समोसे का पहली बार जिक्र 11वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की लेखनी में मिलता है। उन्होंने गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में पेश की जाने वाले नमकीन चीज का जिक्र किया है जिसमें कीमा और सूखे मेवे भरे होते थे। 14वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के बारे में बताते हुए लिखा है कि दरबार में भोजन के दौरान मसालेदार मीट मूंगफली और बादाम स्टफ करके तैयार कर लजीज समोसा परोसा गया जिसे लोगों ने बड़े चाव से खाया। यही नहीं, 16वीं शताब्दी के मुगल कालीन दस्तावेज आईने अकबरी में भी समोसे का जिक्र बकायदा मिलता है। समोसा इस बात का सबूत है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। समोसा खाने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि किसी चीज की पहचान देश की सीमा से तय नहीं होती। समोसे की उम्र भले ही बढ़ती गई पर पिछले 1000 साल में उसकी तिकोनी आकृति में जरा भी बदलाव नहीं आया। समोसा आपको बताता है कि कैसे इस तरह के पकवान हम तक पहुंचे और कैसे भारत ने उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से बदलकर अपना बना लिया। भारत में समोसे को यहां के स्वाद के हिसाब से अपनाए जाने के बाद यह दुनिया का पहला फास्ट फूड बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।